Hello, bachon. Let's read this question. In 1953, Stanley Miller created the primitive earth conditions in the laboratory. The primitive earth conditions include. तो primitive earth conditions जो थे वो क्या include करते थे? आप जानते हैं Stanley Miller ने same conditions create की थे lab में. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, जब primitive earth condition की हम बात करते हैं ना, पहले earth पर क्या conditions रहती थी? तो वहाँ पर temperature जो था बहुत high था earth पर. Temperature बहुत high था. ठीक है. और वॉल्केनिक स्टॉर्म्स चलते रहते थे. वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे. एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था. रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ये था जिसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस मिल रहे थे, CH4, मीथेन, अमोनिया, एटसेट्रा. ठीक है, ये गैसेस मिल रहे थे. अब 1953 में स्टेनले मिलर जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिमिलर कंडीशन लेबोरेटरी स्केल पर तैयार किए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. उन्होंने स्पार्क डिस्चार्ज लगाया यहाँ पर. ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया क्लोज फ्लास्क में, और यहाँ पर मीथेन, हाइड्रोजन, NH3, वाटर वेपर, ये सब था. यहाँ पर 800 डिग्री टेम्परेचर लिया. हाई टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा था अर्थ पर, बट यहाँ उन्होंने कितना डिग्री तक लिया? 800 डिग्री सेल्सियस. फिर इसके बाद उन्होंने क्या देखा? यहाँ बॉइलिंग वाटर देख रहे हैं, टू वैक्यूम पंप, इलेक्ट्रोड्स हैं जिससे स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पर कंडेंसर लगा है जो ठंडा कर रहा है, वाटर यहाँ से आउट जा रहा है और यहाँ से इन आ रहा है. फिर वाटर ड्रॉपलेट थे यहाँ पर, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिक्विड वाटर इन टैप, इसको यहाँ से सैंपल ले लिया जाता था. अब यहाँ पर हुआ क्या? ये सब जो कंडीशंस इन्होंने बनाई, इसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया अमाइनो एसिड्स, कि इस सब के बाद, ये प्रोसेस चलाने के बाद अमाइनो एसिड फॉर्मेशन देखा गया यहाँ पर. ठीक है, और सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर साइंटिस्ट ने भी परफॉर्म किया, जिसमें शुगर फॉर्मेशन, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स, फैट्स, ये सब देखा गया. ठीक है, बट जब हम बात करते हैं स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट की, तो इन्होंने क्या देखा? अमाइनो एसिड फॉर्मेशन देखा, और सिमिलर कंडीशंस बनाने की कोशिश की, मेंटेन करने की कोशिश की लैब में, जैसे कि प्रिमिटिव अर्थ पर मिल रही थी. तो अब यहाँ आपसे पूछा है द प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस इंक्लूड, जो इंक्लूड करती थी वो क्या क्या थी? लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर तो नहीं था, हाई टेम्परेचर था प्रिमिटिव अर्थ पर, ये इनकरेक्ट हो जाता है. हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एटमोसफेयर. नहीं बच्चों, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, मॉलिकुलर ऐसे नहीं मिल रहा था ऑक्सीजन, O2 नहीं मिल रहा था. ठीक है, तो यहाँ हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म एंड रिड्यूसिंग एटमोसफेयर था, बिल्कुल रिड्यूसिंग एटमोसफेयर था. यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो बन जाता है वो ऑप्शन डी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास में पेज नंबर 111 पर गिवन है. थैंक यू.